सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। तरसो पंजाबीओ, तुहाडे नाल हमेशा वितकरे ही होणे आ, पहला भी हुंदे आए आ ते हुण भी हो रहा है। वह घट्टो घट जिन्ने कु चोण वादे बाकी सूबियां च करदे आ पोलीटिकल पार्टियां वाले, वह पंजाब च भी कर दिओ। कांग्रेस तेलंगाना दे विच ये कह रही है कि जे साड़ी सरकार आ गई तो असी कुड़ियां दे व्याह ते 10 ग्राम सोना भी पावांगे, शगन भी देवांगे, सिलंडर भी तुहानू जिहड़ा आ उह 500 रुपए का दिता जाएगा, फिर बजुर्गों नू 3,2500 रुपया भी महीने देवांगे, अंगहीणां नू 3,000 रुपया देवांगे। वह वक्री गल है कि कर्जा पंजाब जिन्ना ही आ तेलंगाना दे उत्ते, BRS वाले कहते लै असी कहदी मां धी नालों घटिया, आपां भी पैरल जावांगे, तुसीं 500 दा सिलंडर कहिंदे असीं 400 दा देवांगे। बई वैसे ना जदों मैं वह चोण घोषणा पत्रां नूं देखदा, वादे देखदा, जैलसी तां हुंदी आ, साड़ा तां हुंदा कि पंजाब वालियां लई 1,000 रुपये दा आम आदमी पार्टी ने वादा किया बीबिया दे नाल, वह भी पूरा नहीं किया। बंदियां नाल तां चलो वादा किया सी, शायद मेरा ख्याल है कि शराब सस्ती सुस्ती करनी आ, आपां वो थोड़ा जिहा गलबात इहदे उत्ते करांगे। मैनूं लगदा कि करनी बणदी वी आ। एक पासे सुप्रीम कोर्ट च फ्री बीज की चर्चा चलती है, तो दूजे पासे आ सारा कुछ हो रहा, मौजा ही मौजा है। इहदे तों इलावा आ सोने दीआं गल्लां चलदीआं पंजाब च, दसो कुलचे मशहूर होए पए, कहिंदे जी 3 मंत्री होटल के कमरे च बह के खांदे आ कुलचे, तो उस होटल दीआं नेहरियां लिया दित्तीआं जांदीआं ने। उहदे तों बाद क्यों? क्योंकि उस होटल के कमरे के पैसे लै लै गया उन्होंने कोलों, कुलचियां दे तां जिहड़े पैसे लैने सी सो लैने, आ महंगा पै गया होटल का कमरा, तो मुड़ के होटल वालियां नूं मंत्री महंगे पै गए। जिक्र तो करना बनता कि आम आदमी दे आम मुख्यमंत्री दे मंत्री खास बनन की कोशिश दे विच की कुछ कर गया, जिक्र छेड़ांगे, जिक्र ये भी छेड़ांगे। अज सारी दिहाड़ी तड़कसार तो लैके हुण तक जीरा जीरा होई पई है। वैसे शाम क जी जो बीबियां कोई चौल चूल बनाने होंगे उदों जीरे का नाम लेंदियां, अज तो पंजाब की सियासत जीरा जीरा होई पई है। कांग्रसियां ने जड़ा वह घेरना शुरू कर दिता सरकार, मामला जा किहड़े पासे नूं रहा जिक्र करांगे। इहदे तों इलावा गल आपां संदीप पाठक की भी करनी आ, MP ने पंजाब के कोटे चों हैगे भावें दिल्ली दे आ, पाणियां दे मामले च SYL दे मुद्दे दे उत्ते कमाल दा बयान, सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर, पंजाब नूं पंजाब दा हक मिलना चाहिए, हरियाणे नूं हरियाणे दा हक मिलना चाहिए। पाठक साहब किहड़े पासे हो तुसीं, हरियाणे वाले पासे, पंजाब वाले पासे, या दोनों पासे चोणां लड़नियां उत्थे जाके रणनीतियां घड़नियां, इस करके ये टिप्पणी की आ। सो तमाम नुकतों के उत्ते करांगे चर्चा, चर्चा करने मेरे नाल मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब, वैसे मैं शुरुआत करनी सी अपने कुलचे वाले मंत्रियों के, पर मैनू लगता कि जो आ तेलंगाना दे विच हो रहा जां बाकी सूबों के विच भी कुछ इदां दीआं चीज़ां हो रही ने, जैलस तो होंगी है, पंजाबियों नाल धक्का नहीं है। इत्थे 1,000 रुपये का आम आदमी पार्टी ने वादा किया सी बीबियों नाल, अजे तक नहीं मिलिया, 1.5 साल तो उपर हो गया, बिजली मुफ्त दी, मेरा ख्याल शराब सस्ती करन दा भी वादा किया सी, वह भी उत्थे कहानियां पईआं, ते दूजिया सूबे च कांग्रेस ने इत्थे वादे कुछ होर किते, उत्थे सिलंडर भी 500 दा देई जांदे आ, बाकी कहिंदे कुड़ियां दे विआह ते सोना भी आपां पा देणा आ 10 ग्राम, फिर शगन भी दे देणा, कमाल दी गल आ, सानू की मिलिया? मैनूं लगदा है कि जसवीर जी आपां ना चलीए तेलंगाना, आपां उत्थे ही रहीए, और हुण वोट बनाने दे विच ते टाइम लगेगा, पर उत्थे अगर आपां रहिंदे आ ते इह सारी चीज़ां सानू भी मिलनी शुरू हो जाएगी। साडे वालियां ने भी वायदे किते सीगे 1,000 रुपये बीबिया नूं देण दा, हुण राजस्थान चले जाओ 500 रुपये का सिलेंडर ऑलरेडी मिल रहा है जी, और तुसी चले जाओ मध्य प्रदेश तो 3,000 तक बीबिया नूं देण दा वायदा किया हो, 1,500 रुपये के करीब तो मिलने शुरू हो गए, और उस तो अलावा तेलंगाना ओए होए होए जो मौजा तेलंगाना दे विच है, आपां तो ऐ ही रह रहे हैं पंजाब, पंजाबी तो अपनी रैपूटेशन से तुरे जाते हैं, और इत्थे पार्टियां आंदियां, और ये फ्रीबीज के वायदे किते कितन तो बाद मोदी जी ने कहा कि इस फ्री इदा की फ्री दी फ्रीबीज वंडन वाली रेवड़ियां वंडन वाली पार्टियां तो बचो रहो, वो खुद नहीं बच सके रेवड़िया वंडन तो, हुण
राजस्थान होए मध्य प्रदेश होए या फिर छत्तीसगढ़ या तेलंगाना चारों जिहड़े सूबे हैं उन्हां दे विच होड़ लगी हुई है भी ज़्यादा कौन फ्री दे सकता है और उस होड़ दे विच बीजेपी भी कदे पिछे नहीं हैगी। उत्थे तुसीं चले जाओ मध्य प्रदेश, मामा जी 3000 का वायदा किया और मामा जी को पूरा भरोसा है कि उन्होंने उन्होंने भैन का उन्होंने भतीजियों का वोट मिलेगा ही मिलेगा। भरोसा है भाई साहब जो उपर बैठे है मोदी जी उन्होंने भरोसा है कि मुख्यमंत्री बना अगली बार आड़ी गल ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी लाडली भैन लाडली भैन स्कीम के जेडे अंडर पैसे वंडे जा रहे हैं या वायदे किए ने वाकई वो कर देंगे ने मामा जी तो कमाल है। हूँ चलो यह तो गल ठीक है। हुण बीजेपी का इन्ह चार सूबों के गल करिए जिहड़े हजे तक की सर्वे रिपोर्ट आई है तेलंगाना दे विच टक्कर कांग्रेस की तो BRS की है और बिल्कुल कांटे की टक्कर है और इदा लगता है कि शायद कांग्रेस एच की उसे बाजी मार दे और कांग्रेस ने वायदे भी BRS तो उत्ते किए ने पर BRS भी उन्होंने वायद्या 500 का सिलेंडर कहें आप 400 का देवे तुम देखो कि इदा के वायद्या के लोग कि आते हैं। फिर नाल ही तुम छत्तीसगढ़ आ जाओ, छत्तीसगढ़ के वायद्या की भरमार हैगी है, कांटे की टक्कर उत्थे भी है पर कांग्रेस का एज लगता है जो ओपीनियन पोल नूं आपां ध्यान च रखिए। मध्य प्रदेश आओ, मामा जी बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उस तो बाद दिग्गी राजा और कमलनाथ दोनों के कुछ डिफरेंसिज अखबारों के लगते हैं पर दोनों ही बयान देंगे ने साडे विच कोई डिफरेंसिज नहीं है और यह डिफरेंसिज तुहानू याद होएगा जब 5 साल पहले चोणा हुई सी तद ज्योतिराजे सिंधिया कमलनाथ और दिग्गी राजा क्योंकि दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह उत्थे मध्य प्रदेश के आम कहते हैं राजा खानदान राज रॉयल फैमिली तो बिलोंग करते हैं तो दिग्गी राजा उन्होंने कहते हैं। उत्थे तो खैर फ्रीबीज की गल ही ना पुछो आपां ते अपने पास ही करिए। फिर आते राजस्थान, राजस्थान के भी कल परसों कुछ सर्वे आए हैं ओपीनियन पोल आए हैं वो बीजेपी की एज तो हैगी है पर उन्होंने आप कांटे की टक्कर कहीए तो ज़्यादा बेहतर होएगा क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ऐत की बतौर CM प्रोजेक्ट नहीं हुई और रॉयल फैमिली दी ही दिया कुमारी जी MP हैगी उन्हें उन्होंने बीजेपी बतौर मुख्यमंत्री सीक्रेट तरीके प्रोजेक्ट कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की कमान अपने हाथ से लीती हुई है उस तो बावजूद भी उन्होंने उत्थे दिया कुमारी प्रोजेक्ट करना शुरू करता है पर लोटस के निशान से कमल के निशान से इलेक्शन लड़नगे और कमल ही साडा मुख्यमंत्री का चेहरा होएगा। यह गल्लां भावें BJP की सीनियर लीडरशिप कह रही है पर अंदर खाते जिहड़ी चीज़ इंडीकेट हो रही है वह हो रही है। इत्थे तो कहिंदे ने ना कमल साडा चेहरा होएगा, मध्य प्रदेश ना कह दें कमल साडा चेहरा, वह कमलनाथ ने कहना मैनू चेहरा बना लिया उन्होंने अपना। पर आप वापस फिर उत्थे ही आने पासकर साहब तेलंगाना के उत्ते भी 2,83,000 करोड़ का कर्जा हैगा है, वह भी कर्जे तो वक्खरा नहीं है। तेलंगाना दे विच लोकां दी पोजीशन की है, असी इस गल नूं भावें मजाक च लैने पर पंजाब नालों किते बदतर स्थितियां तेलंगाना दे विच आम लोकां दीआं ने। उत्थे जिहड़े सियासतदान आ उह करोड़ांपति आ, उह मौजां च आ पर जिहड़े लोक आ उहनां लई दो वक्त दी रोटी दा जुगाड़ करना औखा आ। उहनां हालातां च जिहड़े वड्डे वड्डे वादे कीते जा रहे आ, तुहानूं नहीं लगदा कि साडे मुल्क दी पोलिटिक्स हुण जा किहड़े पासे नूं रही आ? अज सूबों के वादे किए जा रहे भलके नैशनल पोलिटिक्स के लोग सभा दिया चोणा होनी फिर ये पोलीटल पार्टियां इदा के वादे कर मुल्क डुबा पासे लगे हुए असी कहने तो आ भी दे देंगे आ भी दे देंगे साढ़े लोगों कम की लौड़ है या निकमे करने की लड़ है इदा दिन चीज़ा आप देख। देखो जिस तरीके वायद्या की होड़ के दौड़ लगी हुई है वोदा लगता है भी हूँ आम लोग गरीब लोगों के हाथ जहाँ हुण तो गरीब भी किड़े जिहड़े हुण रिकॉर्ड तुसीं भावें पंजाब दा देख लो या जिहड़े मर्जी सूबे दा देख लो इत्थे ते इदां दी भी खबरां छपी सी कि आटा दाल स्कीम दे विच मर्सडीज़ दे विच एक व्यक्ति आया तो आटा दाल फ्री दा लैके गया। इदां दे हालात दे विच सिर्फ बुरकी मूँह च पाना रह जांदा क्योंकि भावें इलाज होए इलाज दे नाते वड्डे वड्डे वायदे फिर पंजाब दे विच इलाज फ्री या किसी भी सूबे दे विच इलाज फ्री दी गल्लां प्रधानमंत्री आप कहिंदे ने। जद हिंदुस्तान आज़ाद होया देखो साडा देश एक डेमोक्रेसी भी है प्रजातंत्र भी है तो एक वेलफेयर स्टेट मनिया जाता है, ये एजुकेशन और हेल्थ शुरू तो लैके अज तक मनिया जाता है कि यह स्टेट की रिस्पोंसिबिलिटी होंगी है कि सारियां इलाज मिले और सारियां रोटी मिले, राइट टू फूड की भी गल करिए और राइट टू एजुकेशन की भी गल करिए पर इन्हों फ्रीबीज के तरीके वंडना। प्रियंका गांधी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के उन्होंने क्लासा के हिसाब न पैसे वंटते कि 5वीं तक 500 फिर 1000 फिर 1500 नाल सारी एजुकेशन फ्री और खाना पीना सब कुछ फ्री। फ्री की गल्लां दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट कई बार एक्टिव तो होंदा पर उत्थे एक हेयरलाइन डिफरेंट डिफरेंस आ जाता है जिहदे विच कहा जाता है कि वेलफेयर स्कीम्स
और फ्रीबीज दोनों में फर्क की है। रेवड़ियां किनू कहते हैं और लोगों का वैलफेयर एक वैलफेयर गवर्नमेंट का काम होंगे करना, यानी ये उत्ते गल जाके किसी ना किसी जगह टिक जाती है। जिदा सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने आप को मजबूर इस करके भी समझता है, खास करके अज जो फैसला आना सीगा जो आ गया अज जी सेम सैक्स मैरिज के उत्ते सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया और इस फैसले का इंतजार सरकार भी कर रही थी और आम लोग भी कर रहे थे। जे यह फैसला किसी के भी हक ही आ जाता तो ये मुसीबत होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बचाव करते हुए फिलहाल यही गल कही है कि सेम सैक्स मैरिज के उत्ते कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट नूं या केंद्र सरकार नूं हैगा। तो यह मुद्दा हुण गेंद सुप्रीम कोर्ट ने उत्थे पाले ते सुट ली है, पर आ जिहड़े फ्रीबीज के मुद्दे के उत्ते सुप्रीम कोर्ट खुद भी उलझा होया पाउंदा, इलैक्शन कमीशन नूं लिखदे ने, इलैक्शन कमीशन भी अपनी एक लिमिटेशन नूं दसदे होए इस मुद्दे ते कदी अगे नहीं वध पाया। इलैक्शन कमीशन तां गल करे भास्कर साहब जे जिहड़ी सत्ता 'च बैठी धिर उह करदी ना होवे तां करे, क्योंकि सत्ता 'च बैठी धिर वी उही काम करदी आ। जां तां होवे ना लकीर खिच दित्ती मोदी साहब ने कि तुसी जो मर्जी कर लो, असी एक भी इदां दा ऐलान नहीं करना जिहदे नाल आर्थिकता दे उत्ते सट वजे, जिहनूं फ्री बीज कहा जा सके। वो आप भी उही चीज़ां करदे ने, पर सवाल ये रहणगे कि असी ठीक आ जरूरतमंदां तक सुविधावां पहुँचनियाँ चाहीदियाँ, क्योंकि असी लोकतंत्री मुल्क हैगे आ ते लोकतंत्र दे विच लोकां दी भलाई दे लई लोक भलाई स्कीमां जिहड़ियां उह चलाईयां जांदियां ने, जरूरतमंदां दी जरूरत पूरी करनी बणदी है। पर जे तुसीं एक वड्डे चीज़ां करदे हो ना ते फिर सवाल तुहाडी उस पॉलिसी दे विच उठदे आ। जां तां होवे कि साडे कोल सरप्लस बजट मुल्क दा भी ते सूबियां दा भी हैगा, कोई कर्जा नहीं आ सूबे दे ते जो मर्जी दईए भाई, जद वाधू कमाई करदे आ ते उहदा लाभ क्यों नहीं, कर्जा चुक के ऐश करनी या करवानी किन्नी कु वाजब हैगी है। यह हुण लोग भी सवाल करन लग पिया, लोगों नूं रुजगार की लोड़ है, वैसे भी रुजगार की लोड़ है भाई। जे इस लड़की नूं तुसीं कहिंदे कि 10 ग्राम असी सोना देना, दिओ खां उहदे भरा नूं उहदे प्यो नूं नौकरी इहो जी 15-20 हज़ार रुपए की, जिहदे नाल तुसीं 10 ग्राम देना आ, अगला जदों कुड़ी जवान होवे ना उहनूं 10 ग्राम नहीं किते वाधू सोना पा सके खरीद के, उहदे ते तुहानूं दवे टैक्स, तुहाडी भी बेहतर तरीके नाल इकोनमी चले ते उह बंदा भी फखर ना कहे कि भाई मैं किसे कोल लई नहीं आ, खैरात नहीं लई, किसे दा एहसान नहीं लिया, मैं अपनी खून पसीने की कमाई नाल चीज़ां कीतियां। कि कणक खरीदी नहीं जा सकती, खरीदी जा सकती है, रुजगार दिओ लोगों नूं पैसे हुण लोग आप खरीदण लाइना च ना लग के, जिहनूं लोड़ हैगी आ जिहड़ा नहीं कर सकता इस तरीके नाल अप्रोच नहीं हैगी उहनूं दिओ, बणदी तां इही चीज़ है ना। पर खैर कौन सुनदा है, नगारियां दे शोर च साडियां पीपनियां कहिंदे सुणनियां ने आपां, पर रौला गौला पाउंदे रहना ते इसे रौले गौले दे विच अज दा रौला गौला 0-0 होई पई है ते केस जगह ते कहानी टिकदी पई है ते पैटर्न तीजे लीडर दा सेम इक्को जिहा। तड़के जाओ मूँह नेरे, अगले नूं मूँह बिना धोण दिओ, रजाई चों मूँह बाहर कढे ते अगला देखे आ की होया, पुलिस वाले आ गए ते नाल ही नेरे नेरे ही चक के उहनूं थाने लिआ। जिक्र छेड़दे आ छोटे जिहे विराम तों बाद, ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तो कुलबीर जीरा 4:30 बजे पुलिस आउंदी आ, कुंडा खड़काउंदी है, शायद जीरा साहब तां तैयारी करदे पए सी लै भाई तड़के ही बंदे आने शुरू हो गए, अज आपां लाउणा आ धरना, अज देनी आ आपां गिरफ्तारी, तो अज तां फिर बल्ले बल्ले हो जाऊगी, वड्डे लीडर बन जाणा आपां, वड्डे लीडर बनन नहीं दिता, पुलिस वाले पहले ही चक के लै गए। पास्टर साहब वैसे ये हैरानी कुन गल नहीं है कि जब तुहानू कह दिता बंदे ने ऐलान करके, जुबान भी बंदे की कोई होंदी है, मैं 2 बजे तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्म समर्पण कर देना, गिरफ्तारी दूंगा, कर लियो मैनू गिरफ्तार, बंदे नू धरना नहीं देन दिता, तुसी उहनू रैली नहीं करन दित्ती, तुसी उहनू प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करन दित्ती, इहदा मतलब तुसी उस बंदे तो डर गए हो जिहड़ा तड़की चक के लै गए। देखो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी, कुलबीर जीरा होना बहुत वड्डे लीडर नहीं है, खैर वड्डे लीडरां दे नाल रहण वाले एक वड्डे लीडर कह सकते हो। कुलबीर जीरा वो शख्स ने जिन्ह ने अपनी सरकार का ही एक बार विरोध किया, जब स्टेज तो ही एक पुलिस के वड्डे अफसर के उत्ते उंगल चक के क्या सीगा भी यह नशे के कारोबार के विच इन्हां दा नैक्सस हैगा ते मैं इन्हां दे नाल स्टेज सांझा नहीं कर सकता। कुलबीर जीरा अक्सर बिक्रम सिंह मजीठिया उन्हां नाल भी भावें हाइट तो काफ़ी छोटे ने, लंबू छोटू वाली गल्लां बहुत बार हुंदी है, पर कुलबीर जीरा एक एक्टिव लीडर ने, उन्होंने पता भी किदे नाल ते किदी गड्डी च कदों बैठना है, इहदी गल आपां 2-3 दिन पहले प्रोग्राम दे विच कर चुके हैं। अज कुलबीर जीरा उन्हां BDPO दे खिलाफ
एक धरने तो बाद गिरफ्तारी देने वाले सी 11-12-13 अक्तूबर नूं इह धरना सीगा। उस धरने के नाँ के उत्ते सरकारी काम के खलल पाने के दोष के उन्होंने खिलाफ परचा पहले ही हो चुकिया सी। पर 4:30 बजे देखो अगला तड़के 4:30 बजे गुरद्वारा साहब मत्था टेकन वास्ते जाता घरों फड़ लेते जाता मत्था भी नहीं टेकन दिता। सुखपाल खहरा की गिरफ्तारी तुहानू याद होगी सवेरे 6 बजे के करीब अगले नूं पानी भी नहीं पीन दिता। सरकार की यह पॉलिसी है पानी ना पीन दो गुरुद्वारे मत्था ना टेकन दो ए कांग्रेसी साधु सिंह धर्मसोत नूं तां गुरुद्वारे जाण जां पानी पीण तक दी पोजीशन च वी नहीं आउण दित्ता। ओह तां सुत्ते पैण नूं चक लिया उहनूं तां 3 बजे चंगा है ना। फिर मनप्रीत बादल क्यों हाथ नहीं आया अगले नूं जमानत मिल गई। हुण इन्हां मुद्दयां दे उत्ते कुलबीर जीरा उहनां अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहते थे और इदां दे ही इल्जाम सुखपाल सिंह खहरा उहनां ते भी पहले लगे सी जद उहनां ने एक अफसर के दफ्तर के गैर हाजिरी के फोन करके कुछ पूछगिछ की थी। वो भी सरकारी काम के खलल डालना एक परचा करता सीगा। चलो यह जी गल तुर रही है सही पासे नहीं जा रही। एक पासे तो असी कहने कि इन्हों का गठबंधन होने वाला एक पासे असी कहने इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस से आम आदमी पार्टी गलबकड़ी पा के अगे वधनगियां और केंद्र की राजनीति दे विच एक साल सूबे की राजनीति दे विच भावें बिखराव। हुण इस मुद्दे के उत्ते कांग्रेसी हो गए कट्टे। हालांकि जीरा उन्होंने भी इन्नी उम्मीद पता नहीं सीगी कि नहीं सीगी कि वड्डे लीडर इस मुद्दे के उत्ते जीरे की गिरफ्तारी के उत्ते इन्ने एकजुट हो सकते हैं। मीटिंग फिलहाल चल रही थी उन्हां दी डिसीजन की होया धरने प्रदर्शन के उत्ते किदां की करना है यदि रूपरेखा तैयार की जा रही होगी। उम्मीद है कि जीरा के मुद्दे के उत्ते कांग्रेस हुण सरकार नूं पुरजोर तरीके नाल घेरेगी। सुखपाल सिंह खहरा के मुद्दे के उत्ते भी भावें प्रताप सिंह बाजवा होण राजा वड़िंग होण या फिर होर वड्डे लीडर उन्होंने भी डट के स्टैंड लिता सीगा। पर सुखपाल सिंह खहरा होना हुण 19 तरीक नूं सरकार तों जवाब लैण दे बाद उन्होंने जुडिशल कस्टडी दे विच भेज दिता गया। अगे की होएगा पता नहीं। जीरे उन्होंने तुरंत कोर्ट दे विच पेश होकर अज जेल भेज दिता गया। जेल तो उन्होंने रिहाई कदों होएगी बेल की एप्लीकेशन कदों लगेगी पता नहीं। मनप्रीत बादल उन्हां काफ़ी दिनों तो फरार चल रहे थे उन्होंने अंतरिम राहत मुख्यमंत्री के उस बयान के आधार पर मिल गई जिहड़े उन्होंने धुरी च दिते सीगे कि मनप्रीत बादल बच नहीं सकता उसके खिलाफ परचा हो गया। यह अनाउंसमेंट तद की सी जब यह परचा दाखिल नहीं होया सी। इनू ही आधार बना के पोलीटिकल वंदता का केस मनप्रीत बादल के वकील आर एस चीमा कोर्ट के पेश कर बहस के कामयाब होए तो उन्होंने एक राहत मिल चुकी। मैनू ना याद आ गया जिस दिन सुखपाल खहरा की पेशी सी तो कांग्रसी इकट्ठे होके गए उत्थे अदालत के बाहर तो उत्थे ना वक्खरियां वक्खरियां ढाणियां बना के वक्खरे वक्खरे रुखां दे थले ना ये आपो अपने समर्थकां नूं संबोधन कर रहे थे। कुलबीर जीरा ते दविंदर घुबाया होरी शेर सिंह घुबाया होरी वो एक ढाणी दे विच खड़े सीगे ते उत्थे जदों दविंदर घुबाया कुछ बोलन लगे ना कुलबीर सिंह जीरा जिहड़ा आ उह कहिंदा यार घुबाया वह अपना डायलॉग जिहड़ा ना तेरा चर्चित होया सीगा कि बोरिया बिस्तरा गोल करके जिहड़ा तेरा तोड़ दांगे जिहड़ा एक पुलिसकर्मी दे नाल उहने पहला पुलिसकर्मी दे नाल गल कीती सी बड़ी ऑडियो वायरल होई सीगी। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਪ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 4:30 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ DSP ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ DSP ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਜੀਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਭਾਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ
टाइम नहीं देखते, थां नहीं देखते, पुलिस एड्डी चौकस है कि जाती सीधा हाथ पाँदी है तो किसी इधरले उधरले पासे होने नहीं देती। वो कोई तगड़ा ही हो मनप्रीत बादल वाला कहते बच बचा कर जाता है, नहीं तो बचन दिता नहीं जाता। पर जदों तुसी राजजीत हुंदल वर्गियां नूं चकना हुंदा, जदों जलंधर वाले उस एस एच ओ नूं गिरफ्तार करना हुंदा, जदों तुसी ओ गिरफ्तारियां करनियां हुंदियां जिहड़ियां बहुत लोड़ींदियां हुंदियां कई केसां दे विच, उदों तां सुन हो जांदे आ कई सूबिआं 'च छापे मारन लग्गिआ वी तुहानूं बंदा नहीं लभदा। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੈਟਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੈਟਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੈਟਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ 2015 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ SIT ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੈਟਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਕਓਵਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ? ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ? ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਠੀਕ ਆ, ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਐਨ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜਤੀ ਹੈ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ SYL ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ SYL ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ
या फिर बीजेपी हैगी है। यह बीजेपी की सरकार एक वक्त हरियाणा के भी सी, केंद्र के भी सी, पंजाब के भी तद इन्होंने इस मसले का हल क्यों नहीं किया। कांग्रेस के उत्ते उन्होंने इदा के इल्जाम लाए और फिर कहें कि जब साड़ी हरियाणा की सरकार आ गई तो असी इस मसले का हल करांगे। केंद्र की सहमति बहुत जरूरी है, यानी वो चाहते हैं कि भी केंद्र के विच ते पंजाब के विच ते हरियाणा के विच तुहाडी जब सरकार आएगी तद इस मसले का हल होगा। केजरीवाल उन्होंने भी इस मुद्दे के उत्ते जदों जदों बयान दिता है वो बड़ा कन्फ्यूजन वाला दिता है। सुशील गुप्ता ने जो कुछ किया सारे ने सुनिया। सुशील गुप्ता हरियाणा के इंचार्ज ने और उन्होंने कहा हरियाणा के हर एक खेत के एस वाई एल का पानी पहुँचा के रहेगी जे सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई हरियाणा के। हुण वो बनते तो है डिफरेंट बयान देन दे। संदीप पाठक उन्होंने जो भी कुछ किया उस उहदे विचों कोई हल कोई किसी पासे। हुण संदीप पाठक उन्हें यह भी क्लैरीफाई कर देंगे कि जब पंजाब यह गल कहता है कि असी एस वाई एल का सर्वे नहीं होने देना, असी सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर नहीं मानना, इस गल दे विच कि संदीप पाठक की बतौर राज्यसभा एम पी पंजाब के की बयान। तुसी हरियाणा के बारे च बयान दे रहे हो, साड़ी लड़ाई किस गल दी है कि साडे नाल इनजस्टिस हो रहा है, पंजाब दे कोल पानी नहीं है, एस वाई एल कनाल बनाने वास्ते सुप्रीम कोर्ट प्रैशर पा रहा है, सर्वे की टीम पंजाब दे विच आन वाली है, उस टीम नू रोकन दे वास्ते तुहाडे दो मंत्री ते तमाम अपोजिशन पार्टियां अपने आप विच अंदोलन छेड़न वाली और इदां दे विच तुहाडा है कन्फ्यूजन। कई बार सियाणा बंदा हुंदा ना वो कहिंदा नहीं काका ना लड़ो, वो तैनू भी रोटी मिल जाऊगी, तैनू भी मिल जाऊगी। ए सियाणियां वालियां दी गल्लां गल्लां तो चंगियां लगदियां पर इन्हां गल्लां तो कदी किसी गल का हल नहीं निकलता और जिन्हां गल्लां तो किसी गल का हल ना निकले उन्हां गल्लां का की फायदा। सियाणे हो सकते हैं बयान तुहाडे। मैनूं याद है एक बार ओम प्रकाश चौटाला उन्हां जद नहीं शायद बंसी लाल या ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होंदे सीगे हरियाणा दे विच अंबाला दे विच फ्रंटियर मेल दे विच बंब ब्लास्ट होया जी, ते पत्रकारां ने जिदां सवाल पुछदे ने भी तुहानूं मुख्यमंत्री जी की लगदा है कि तुहानूं इहदे विच किहड़ी ऑर्गनाइजेशन का ते की ए कौन हो सकते हैं ये पिछे, तो उन्होंने यह जवाब दे के कि भी देखो जिसने भी ये काम किया है वो कोई भला आदमी तो हो ना सके। तो उहदे विच पत्रकार बाद चो गल कर रहे थे कि भी देखो मुख्यमंत्री ने तो केस हुणी सोल्व करता कि वह भला आदमी तो हो ही नहीं सकता, तो जिहड़े बदमाश या हिस्ट्री शीटर होंदे ने उन्हां दा पुलिस कोल रिकॉर्ड हुंदा है तो केस तो ऑटोमैटिकली सोल्व हो गया। कुछ इदां दा ही बयान संदीप पाठक उन्हें अज दे के गए ने, हरियाणा को हरियाणा का पानी मिले, पंजाब को पंजाब का पानी मिले, तो सबको पानी मिलना चाहिए, तो तुसी भी पानी पी के इदा के बयान दे के फिर दिल्ली की अपनी संगठन वाली राजनीति, क्योंकि जब तुसी अपने वॉलंटियर्स नू एड्रेस करते होंगे हो किसी भी पंजाब दे विच भावें जलंधर जिमनी चोणा होन या फिर अगे चल के कारपोरेशन की चोणा होन, तो फिर तुसी बड़ा जोश भरते उन्होंने और अपने मंत्रियों को कुर्सियां ते बिठा के वॉलंटियरों तो बेइज्जती कहते हो भी इनको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इदा के सेंसिटिव मुद्दे के उत्ते तुसी पंजाब के हक च कोई बयान नहीं दे पाए, तो यह तुहाडा पंजाब के प्रति निष्ठा दर्शाता है। और मैं लगता है इतने तो कहते भास्कर साहब इस गल का तो उदो रौला पैंदा सीगा कि भाई जे पंजाब का बंदा होगा भावें जो मर्जी हो जाए गल पंजाब की करेगा, पंजाब के कोटे चो पंजाब के राज्यसभा के मैंबर बनने चाहिए। हुण इत्थे जदों संदीप पाठक ये कहिंदे सियासत नहीं होनी चाहिए तो जो मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं एक नवंबर की बहस वाला वह की है? सियासत ही तो हो रही है। हुण देखो सियासत ना करन दी सलाह देन वाले भी इस मुद्दे से सियासत कर रहे हो तो कौन की करे। हुण आम आदमी पार्टी भी भावें असी बार बार यह गल कहिंदे ने कि एस वाई एल के मुद्दे के उत्ते आम आदमी पार्टी की कोई पास्ट हिस्टरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर उन्होंने हाथ च जरूर है जी। लेकिन तुसी पास्ट हिस्टरी नू गिना गिना के फ्यूचर नू भी खराब कर लो तो फिर तुहाडा और होरां दे विच, क्योंकि अगली बार जब तुसी सरकार बनाने वास्ते लड़ोगे या इलैक्शन लड़ोगे तो तुहाडे नाल यह बैगेज तैयार होएगा कि इस मुद्दे के उत्ते तुसी कोई सोल्यूशन कोई मुद्दे नू हल किया। कारण कि हरियाणा दे विच आम आदमी पार्टी की राजनीति कुछ होर और संदीप पाठक जिहड़े हैगे ते राज्यसभा एम पी पंजाब तो हैं पर वह कहिंदे हरियाणा नू और केजरीवाल की कहिंदे सीगे चाहे कि कप्पे बुला लें प्रधानमंत्री जी उसी टाइम हल निकाल दूंगा। मैनू लगता चाह पंजाबियों तो तुसी 10 कप पी लो पर हल कढ के जाओ इस मुद्दे दे उत्ते। घट हुंदा तुसी कहिंदे 10 कप पी लो ते चाह ही पींदे होणगे पंजाब चों? नहीं पता नहीं, चलो आपां ते कपां दी गल करदे हां, पहले प्लेटां वेच के भी पैसे इकट्ठे कीते उन्होंने, जिन्ना खर्चा हुंदा जहाज दा झूटे लगदे ओ चाह तां कई कप पीती जा सकदी। देखो आम आदमी पार्टी ने जद पंजाब दे विच अपनी राजनीति शुरू कीती सी ते केजरीवाल दे नाल रोटी खाण वास्ते ओह पैसे लगदे सीगे,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ SYL ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੰਤੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ GST ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ GST ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ RDF ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ  1% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਣੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੁਲਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ 100, 150, 200, 300 ਦੀ ਪਲੇਟ ਬੜੀ ਹੱਦ 400, 500 ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਖਾਧੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਲਚੇ ਆ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਤੇ 5500 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਜੋ ਹੋਏ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੌਣ ਖਾਵੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਹਾ 50, 55, 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਖਾਧੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦਵਖਤੀ ਲਿਆਤੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖਾਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ
तो साढ़े को पैसे थोड़ा ना मंगेगा, जाके ऑर्डर किया होटल खोलो, दरवाजा खोलो, कमरा खोलो, तो खोलता नाल ऑर्डर अमृतसरी कुलचे बाहर रेडी तो करते आ गए कुलचे। उस तो बाद जब जिस तरीके गवड़े से होटल के उस तरीके जब बाहर जान लगे तो मैनेजर साहब ने मंग ले 5500 रुपये। उस वक्त बड़ी शर्म आई कि यार 5500 रुपये किस गल मंग रहे हो, कहते जनाब तुम कमरा खुलाया 500-700 के कुलचे होने 5500 बह के खाने का किराया। कुलचे वाले के पैसों का हजे जिक्र नहीं आया, वो दिते कि नहीं दिते, क्योंकि वह रेहड़ी तो पहले ही ऑर्डर करके हो सकता गए हूँ जी। तो हूँ ए सारी गलों के 5500 रुपये शर्मो शर्मी देने से पै गए। पर गुस्सा है, मंत्री वड्डे ने और वह भी एक्साइज मिनिस्टर, वो भी टैक्सेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और नाल खेड मंत्री, माइनिंग मंत्री और नाल फिर पब्लिक रिलेशन के मंत्री भी तो रहे ने ना अमन अरोड़ा भावें हुण नहीं हैगे, पर इन्हां सारिआं दे विच गुस्सा तो आता। मैं मेरे ख्याल नाल इदां दा कोई महकमा नहीं है जिहड़े महकमे की उस होटल के उत्ते रेड ना पवाई होए। और 24 घंटे के अंदर अंदर वो जिहड़े एक्साइज वाले मंत्री सी ना कह गए थी अंख मार के कि देख तैनूं 5500 रुपये किदां महंगा पड़दा है। हुण होटल वाले का बयान हजे तक आना शुरू होया कि भी मैनू तो आ 5500 रुपये के चक्कर इन्नी सारी रेडां का सामना करना पै रहा है, हुण मेरे तो कई बंदे पैसे लैके जा रहे हैं। तो इस करके कभी तुहाडे घर के आले दुआले कोई दुकान कोई तुहाडी कोई रेहड़ी होए जिस रेहड़ी के उत्ते ना आम आदमी पार्टियां के मंत्रियों का कुछ खाण पीन का दिल करता होए चुप करके दे दिया करो, नहीं तो यह फिर छोले भटूरे की रेहड़ी में भी नहीं छड़नगे रेड पाने वास्ते। यही गल सुखबीर सिंह बादल उन्हां दी भी मशहूर होंदी सी। सुखबीर सिंह बादल उन्होंने पता नहीं इदां दा कार किया होए ना, लेकिन उन्हां दे बारे तय किया जाता सी भी मालवे दे विच इक समोसे जलेबियां की दुकान है ते वो एक मी जिहड़े कार्टून टाइप भी बनते होंगे हैं भी सुखबीर सिंह बादल उन्होंने पूछ लिया भी किन्ने कमा लैंदा तेरी समोसे ते बहुत चलते हैं। छोले भटूरिया की रेहड़ी दे विच भी जद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जांदे सीगे ते उह पिछे जलेबी बनांदे सीगे पिछले इलैक्शनां दे विच आम आदमी बनन वास्ते की नहीं किया लीडरां ने, जलेबी तली, छोले भटूरे तले, पर उस तो बावजूद यह जिहड़े आम आदमी सी इन्हां ने जद खास बनन की कोशिश की तो 5500 का बिल तो उस तो बाद रेड। यह सारी गल्लां किसी ना किसी जगह पॉलिटिक्स दे विच तनाव है, पॉलिटिक्स दे विच बिखराव है, पॉलिटिक्स दे विच अहंकार है, पॉलिटिक्स दे विच शिकार है। यह सारी गल्लां तुहानूं उस तरफ इंडीकेट कर दी। ਪਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਮ। ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਣੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਕੁਲਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਸ ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਟੂਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਾਲੀ, ਛੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜ਼ਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਚਮਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ,
इन्हों तो चमकन का मौका मिलता ही नहीं। रादर कोई कंट्रोवर्शियल बयान देना होंदा है तो इन्हों अगे कर दिता जाता, जिदा ऑपरेशन लोटस के मुद्दे के उत्ते हरपाल चीमा उन्होंने जो स्टेटमेंटा दी थी, अज वो अपनी स्टेटमेंट्स के उत्ते भी नहीं खड़ते। इदा के हालात के जे लोगों इन्हों के दर्शन नहीं कराओगे तो फिर कौन बचानेगा इदा के मंत्रियों। एक होर भी चीज़ है, क्योंकि ये वाकया वापरिया उदो जो सनतकारा नाल सरकार दी मिलनी सीगी, उस दौर का यह वाकया हैगा। तो की जो होटलीयर के नाल मुलाकात की होगी वह सनतकारा के दरमियान, तो फिर वो तो बाद घटना वापरन तो बाद अगली मीटिंग दे विच एक गल हुई सी, होटलीयर नू कहा सीगा कि भाई जे साडे मंत्री आउणगे कमरे का किराया नहीं लैणा, उदा तो तुसी कर सकदे हो। तो जे इस होटलीयर नू नोटिस गया होणगे वो हुण जे कोई होर उहदे को पुछेगा जी पंजाब च मैं होटल बनाउणा आ, मैं इनवैसट करना चाहुंदा, तो वो उहनू सलाह की देगा कि या तो होटल पाई नहीं या मंत्रियों की भाई पछाण कर ला, वो जदों आउण चुप करके कमरा खोल के दे देना, वो कुलचे खाण, वो चाह पीण, वो रोटी खाण, जो मर्जी खाण, पैसा एक नहीं उन्हां दे कोल मंगणा, नहीं तो भाई तेरे ते रेडां पैणियां जिहड़ियां नोटिस आउणे शुरू हो जाणगे। आही सलाह देगा। तो मान साहब थोड़ा जिहा इस पासे भी ध्यान दिओ कि आ संकेत कोई बहुते वधिया नहीं। तुहाडी पार्टी दे सवाल इस करके उठते हैं कि तुसी अपना जिहड़ा लैवल आ बड़ा उच्चा दिखाया लोगों नूं पंजाब दे नाल, बाकियां नालों वक्खरे आ। सुखबीर बादल दा इह वी लोक सच मन जांदे आ कि हिस्से दी गल होई होएगी, कांग्रेस दी इह वी गल मन जांदे आ कि नहीं माइनिंग दे विच कुछ ना कुछ कीता होएगा। जदों तुहाडे किसी मंत्री दे उत्ते उंगल उठदी है तां लोक दंदां थल्ले उंगली दब लैंदे आ कि हैं यह भी इदा दे आ, यह नहीं होना चाहिए। बाकी कोई गल नहीं भाई, असी तो रेहड़ी दे खड़ के खा लें, सानू तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ, बाकी जो होंदा अगे देखा जाऊगा। इसे दे नाल दिओ इजाजत, देखते रहो टीवी पंजाब।